जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको वशीकरण करने का बहुत ही नायाब और असरदार टोटका बताने वाला हूँ। टोटके को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। तो चलो जानते हैं सुनो के टोटके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह टोटका कोई भी कर सकता है, महिलाएं जेंट्स या लेडीज कोई भी हो यह टोटका कर सकते हैं। टोटका बहुत ही सरल है, आसान है। यह टोटका आप घर बैठे बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। तो चलो जानते हैं इस अनोखे टोटके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको करना क्या है, आपके नीचे के बाल यानी लिंग के पास के बाल जो होते हैं, अगर कोई महिलाएं कर रही है तो योनि के पास के बाल, उनको काट लेना है, यानी अपने नीचे के बाल को साफ कर लेना है। उन बालों को किसी कटोरी में डाल लेना है। डालने के बाद अपना वीर्य उस बालों के ऊपर निकालना है और उन बालों को अपने वीर्य में भिगो लेना है। यह टोटका आपको गुरुवार के दिन करना है, गुरुवार के दिन नाइट में करना है और 12 बजे के बाद करना है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, अपना वीर्य उन बालों के ऊपर निकाल के उनको भिगो देना है और उस कटोरी को वहीं पे कहीं ऊपर उठा के रख दीजिए और उनको छोड़ दीजिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जो बाल आपने भिगोए अपने वीर्य में, उन बालों को आपको सुखाना है, चाहे किसी पेपर के ऊपर रख के सुखा लीजिए, चाहे उस कटोरी में रखे रखे किसी पंखे के नीचे रख दीजिए ताकि वो सूख जाए। तो आपको फिर करना क्या है, अगले दिन यानी शुक्रवार के दिन रात को 11 बजे के बाद में आपको उनको जलाना है। जलाने के बाद उसकी जो राख बनती है उसको इकट्ठी कर लें। और हाँ, ध्यान रहे, जब भी आप उनको जलाएं तो राख जो बनती है वो इधर उधर डुलनी नहीं चाहिए, यानी इधर उधर बिखरनी नहीं चाहिए। पूरी की पूरी राख आप उस कटोरी में इकट्ठी कर लीजिए। और इकट्ठी करने के बाद अब जब भी आप उस इंसान से मिलो, या फिर जब भी आप उस इंसान से मिलो या वो आपसे मिले, तो आपको करना क्या है, उस राख का तिलक आपके माथे में लगाना है। और अगर मुमकिन हो सके तो उस राख को जिस इंसान को आपको खिलाना है, यानी आप किसी भी चीज में डाल के उसको खिला सकते हैं। ये जरूरी नहीं है पूरी की पूरी खिलानी है, उसमें से थोड़ी रात आपको उसको खिलानी है। चाहे चाय में डाल के खिला दीजिए, चाहे पानी में गेर के खिला दीजिए, चाहे सब्जी में खिला दीजिए, किसी भी तरीके से उसमें से थोड़ी रात आपको उसको खिलानी है जब भी आपको वो मिले। और ध्यान रहे, ये चीज 3 दिन के अंदर अंदर उसको खिलानी पड़ेगी। 3 दिन के बाद में ये टोटका काम नहीं करेगा, इसका कोई असर उसके ऊपर नहीं होगा। और जैसे ही वो इंसान वो राख खाएगा तो यकीन मानिए 10 मिनट के अंदर अंदर वो इंसान आपके वश में हो जाएगा। और अगर मान लो किसी भी कारणवश अगर आप ये टोटका कर नहीं पा रहे हैं या आपसे हो नहीं पा रहा है, तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में और भी कोई समस्या है और आप उनका समाधान करवाना चाहते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।